एंड सेकेंड बिगेस्ट क्वेश्चन सबके माइंड में जो आता है वो ये आता है कि ए के एग्जाम्स हम एक ही बारी में क्लियर कर लें किसी भी एग्जाम में हम रहना चाहें ठीक है सो गाइज ये वीडियो में आई ट्राई टू सॉल्व दीज टू प्रॉब्लम्स एंड आई टेल यू दी पाथ इन विच यू शुड गो जिसमें अगर इनकेस तुम बीच में एक आधे एग्जाम में रह भी गए In that case also you will be able to complete your ACC on time. That is two or maximum two and a half years. And jo जो बच्चे चाहें वो दो साल से पहले भी अपनी complete kar कम्प्लीट कर सकते हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी करना एंड प्लीज शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स ए सी सी ए सो देर आर टू थिंग्स दैट एवरी पर्सन डूइंग ए सी सी ए शुड नो एंड शुड वर्क ऑन फर्स्ट इज इफेक्टिवनेस एंड सेकेंड इज एफिशी नॉर्मली क्या होता है कि हम एक ही पेपर एक बारी में दे सकते हैं अब पॉइंट ये क्या इसका मतलब ये है कि हमें एक ही पेपर एक बारी में देना चाहिए नहीं इसका मतलब ये नहीं है दिस इज जस्ट एन फीचर दिस इज जस्ट एन एडवांटेज दिस इज जस्ट एन एडिशनल बेनिफिट दैट यू है होगी। क्या ट्वेल्थ में भी तुम्हारे पास ऑप्शन था नहीं था ना ट्वेल्थ में भी तुमने सारे पेपर्स करे एंड ट्वेल्थ में भी तुमने एक चीज क्या नोटिस की है कि पेपर तुम चार चार पांच पांच एक बारी में पढ़ते थे तीन तीन चार चार सब्जेक्ट एक बारी में तुम पढ़ते थे यही होता था तो वाई कान भी डू दैट इन ई हम ई में ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम एक ही पेपर पढ़ेंगे दो ढाई तीन महीने उसके बाद जब वो पास हो जाएगा देन नेक्स्ट पेपर पे जाएंगे वाई तो टू तो बी इफेक्टिव टू बी इफेक्टिव हमें क्या करना पड़ेगा जब भी तुम प्रिपेयर कर रहे हो वेदर यू आर एट नॉलेज लेवल एट स्किल लेवल और इवन एट प्रोफेशनल लेवल कभी भी एक पेपर की प्रिपरेशन मत करो

अब दो महीने हो गए तो दो महीने के बाद तुम्हारे दोनों सब्जेक्ट्स 80 80 क्लियर हो चुके होंगे ठीक एट्टी परसेंट क्लियर एग्जाम किट वगैरह हो चुकी होगी अब तुम्हें उसके बाद क्या करना है अब तुम एक पेपर पे फोकस करो एक पेपर पे फोकस करके विद इन टेन डेज इलेवन डेज वो पेपर दे दो अब दूसरा पेपर तुम्हारा एट्टी कंप्लीट हो चुका है देन गिव स्टार्ट थर्ड सब्जेक्ट अलॉन्ग विद्री उठा लो एक सब्जेक्ट क्लियर हो गया एफ एंड एफ अब जब तुम ये दोनों पढ़ोगे तो तुम्हारा एफ टू एटी परसेंट ऑलरेडी हो रखा है एंड उसके बाद विद इन ट्वेंटी थर्टी डेज तुम एफ टू भी दे दो और जब तुम एफ टू कम्प्लीट कर लोगे तब तक तुम्हारा थर्टी फोर्टी फिफ्टी परसेंट एफ थ्री भी हो चुका होगा एंड देन उसके बाद तुम एफ थ्री के साथ एफ फोर दे दो ऐसे तो प्लान ये है गाइस जब तुम दो सब्जेक्ट्स पढ़ोगे ना तो तुम्हारा टाइम बहुत सेव हो जाएगा तो जो तुम्हारा नॉलेज लेवल है ना नॉर्मली नॉलेज लेवल को

तुम सारे पेपर्स क्लियर कर लोगे और इसीज बन जाओगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर इन केस तुम कोई एक पेपर नहीं क्लियर कर पाए तो भी कोई नहीं है साथ साथ दूसरा पेपर भी पढ़ रहे थे अब लैट से तुमने एक पेपर दिया वो क्लियर नहीं हुआ तो यू यू शुड नॉट वरी बिकॉज उस टाइम तुमने दूसरे पेपर की भी तैयारी की हुई है तो नेक्स्ट क्वार्टर में यू गिव ठीक है ना हमें अपने माइंड को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है एक पेपर के लिए। ये याद रखो इस चीज का हमें डिसएडवांटेज नहीं बनाना जो कि हमें एक बेनिफिट दिया गया है कि हम एक पेपर एक बारी में ऑलवेज प्रिपेयर फॉर टू सब्जेक्ट्स जैसा हमारा माइंड है हमें हमेशा दो तीन सब्जेक्ट साथ साथ करने चाहिए अभी तक हम करते आए वो चीज हमें करनी है एंड यू विल सी कि तुम्हारी स्टडी कितनी इफेक्टिव हो जाएगी दैट मीनस ऑन टाइम अब

हाउ टू क्लियर एनी ए सी सी एग्जाम इन वन गो वॉच दैट वीडियो एंड वहां से यू विल बी एफिशियट तो सारे स्टूडेंट्स को ए सी सी ए करते टाइम इफेक्टिव भी रहना है एंड एफिशियंट भी रहना है इसी तरीके से हम ए सी सी ए अच्छे से क्लियर कर सकते हैं और जल्दी क्लियर कर सकते हैं देर इज नो शॉर्ट कट फॉर एनीथिंग रिमेंबर दीज आर टिप्स वी कैन यूज दीज आर नॉट ट्रिक्स दीज आर टिप्स डेट वी शुड यूज टू स्टडी इफेक्टिवली एंड एफिशियंटली And all the best to all of you.